आई एम डॉक्टर शाहबाज अहमद। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो मेडिकल और सोशल दोनों हवालों से बहुत अहम है। जब भी आप कहीं रिश्ता लेने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, जैसे कि लड़का करता क्या है, लड़का की जो है वो सोशल लाइफ कैसी है, उसके एटिकेट्स कैसे हैं और उसकी आदत कैसी हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह लड़की के हवाले से भी यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ये बिल्कुल नहीं देखा जाता कि लड़के या लड़की को बीमारी क्या है, लड़के या लड़की को क्या कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है जो आगे चल के दोनों पार्टनर्स को ख़राब कर सकता है, क्या लड़का या लड़की आगे बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और उन दोनों के ब्लड ग्रुप्स क्या हैं, क्योंकि आगे जो बच्चे उन दोनों से पैदा होंगे क्या उनमें कोई ऐसा मसला तो नहीं पैदा हो सकता या कोई पैदाइशी मसला तो नहीं हो सकता। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, और अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी निकलती है तो वो आगे चल के उन दोनों के लिए मसाइल क्रिएट करती है और दोनों के दोनों ख़ानदान, दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो उनमें झगड़े और मसाइल का सबब बनते हैं। तो बेहतर आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने शादी से पहले दोनों पार्टनर्स के कौन से टेस्ट होना ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई चीज़ अगर पॉजिटिव आती है तो शादी ना करें, आपको पता तो होगा ना कि ये चीज़ है और इसको आगे लेके इस तरह से चलना है। उन टेस्टों में कौन से ज़रूरी हैं, सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीज़ के टेस्ट होते हैं, मतलब जैसे कोई वायरस है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, ठीक है, और इसके अलावा और भी कोई अगर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ चल रही हो तो उनके टेस्ट, जैसे TB है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो काबिले इलाज हैं, ठीक है, अगर आपको लेकिन पहले से पता हो तो। एक तो इसका ये फ़ायदा होगा कि यंग एज में आपको पता चल जाएगा कि मुझे खुदा ना खासा ये मसला है तो आप उसका इलाज करवा सकते हैं, और आपको पता होगा कि आगे अपने पार्टनर को इससे कैसे बचाना है। इसमें शादी की मना की कोई बात नहीं है, शादी की जा सकती है, लेकिन इन्फॉर्म्ड कंसेंट होगी, यानी कि पहले से पता होगा कि भाई ये इशू है और इसको ऐसे डील करना है। इसके अलावा शादी से पहले अपना स्पर्म काउंट मेल के लिए करवाना ज़रूरी है, ताकि उसे पता हो कि उसमें कोई जरसूमों का मसला तो नहीं है, जरसूमों की जो शेप होती है, शक्ल होती है, उनकी हरकत होती है या उनकी तादाद होती है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई ऐसा हो तो वो उसका प्रॉपर इलाज करवा सकता है, इसका इलाज मुमकिन है, बजाय इसके कि शादी के बाद 2 या 4 साल तक जब ये चीज़ नहीं होती फिर भी तो टेस्ट करवाते हैं ना, लेकिन उससे क्या होगा, उससे सोसाइटी में मसाइल क्रिएट होते हैं और आपस में झगड़े और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा औरत के लिए भी ये चीज़ करवाना ज़रूरी है कि कहीं उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ तो नहीं है, मतलब जो ओवरीज होती हैं उनमें कोई सिस्ट तो नहीं है, या उनके जो अंडा बनने की सलाहियत है वो ठीक है कि नहीं है, उसमें कोई ट्यूबल पेटेंसी उनकी ठीक है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर शादी से पहले पता होंगी इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, इलाज करवाएं और जो है वो ताकि शादी के बाद कोई ऐसे मसाइल पैदा ना हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है और बहुत सस्ता और सबसे आसान जो एक टेस्ट है वो है ब्लड ग्रुपिंग। तो आपको ब्लड ग्रुपिंग अपना कराना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि किसी का अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, दूसरे पार्टनर का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो जो है वो उसमें कुछ प्रेगनेंसी, जो पहली प्रेगनेंसी होती है उसमें कुछ इंजेक्शंस लगते हैं ताकि उसके बाद आने वाली प्रेगनेंसीज जो हैं या बच्चे हैं उनको नुकसान ना हो। जिन लोगों को ये नहीं पता होता वो इंजेक्शन नहीं लगवाते, तो उनके पहले बच्चे के बाद जो अगले बच्चे आते हैं उनमें खुदा ना खास्ता खून की बीमारियाँ होने का या उनकी खुदा ना खास्ता डेथ होने का भी बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो ब्लड ग्रुपिंग बहुत आसान तरीका है, वो करवाएं, और उससे शादी में मना नहीं है। याद रखिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपने शादी नहीं करनी उस बंदे से, आप शादी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि डॉक्टर के पास जाना है और इसका ये इलाज करवाना है। अब और भी बहुत सारे जेनेटिक्स टेस्ट होते हैं जो शायद पाकिस्तान में अभी नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि कोई कंजेनिटल बीमारियां होने का ज़्यादा चांस तो नहीं है। जिस तरह की आपको पता है कि हमारे जो एरिया है इसमें कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो शादी जो है वो अमूमन ख़ानदान में ही की जाती है। तो जो कुछ भी बीमारियां ऐसी जैसे हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, ये बीमारियां एक बंदे से दूसरे में चलती रहती हैं। तो बाज़ूकात एक पार्टनर जो होता है उसमें माइनर ट्रेट होती है, मतलब उसमें बीमारी तो नहीं होती लेकिन वो कैरियर होता है। तो वो अगर अपने ही ख़ानदान में किसी से शादी करेगा और उसके अंदर भी वो जीन मौजूद होगा जो कि वो कैरियर फॉर्म में होगा या माइनर ट्रेट में होगा, तो उन दोनों का जब आपस में मैच होगा तो जो आने वाली जो जनरेशन है या बच्चे हैं उनमें वो बीमारी हो सकती है। तो थैलेसीमिया का टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए मसला बन जाता है। बच्चा जो है वो अपनी प्रॉपर लाइफ आगे नहीं गुजार सकता और सारी ज़िंदगी उसको ब्लड लगवाना पड़ता है या दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो कोशिश करें जो आपको टेस्ट बताए हैं ये कोई बहुत ज़्यादा महंगे टेस्ट नहीं होते, इनको
पार्ट एंड पार्सल बनाए कि जब आपने रिश्ता देखने जाना है या आपके यहाँ कोई रिश्ता देखने आ रहा है तो ये टेस्ट जो है इसको तो बिल्कुल आप अपने सीवी, जिस तरह सीवी बनाई जाती है इस तरह से इन टेस्टों को बना के रखना चाहिए और ये ज़रूर करवा के रखने चाहिए ताकि आने वाले जो शादी के बाद जो है वो मसाइल पैदा ना हो। थैंक यू सो मच।